हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या उसका सलूशन होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2019 में मैथ और रीजनिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो 2020 में ये चीज़ें चेंज भी हो गई। 2020 में जीके जीएस से फिर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो जीके जीएस आपके लिए अभी भी प्रोमिनेंट है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी थी तो उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है जिसको लगता है कि वो पूछने योग्य है और अगर मुझे लगेगा कि वो जवाब देने योग्य है तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था गांधी जी के तीनों आंदोलन जो थे उनका डेट और रीज़न एक बार क्लियर करना था। तो सबसे पहला था चंपारण। चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ। और इसका कारण क्या था? तो तिनकोठिया सिस्टम, एक तिनकोठिया पद्धति चली आ रही थी वो इसका कारण था। ये तिनकोठिया पद्धति किससे संबंधित है? नील की खेती से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए खेड़ा। खेड़ा 1917 से 18 माना जाता है इसका डेट खेड़ा का। और ये भी किसानों की थोड़ा कम सैलरी की वजह से ही किसानों के ही रिलेटेड है, ये यानी किसानों से ही पीजन से ही रिलेटेड है। उसके बाद अहमदाबाद, ये हुआ था 1918 में और ये किससे रिलेटेड है? प्लेग बोनस, प्लेग एक महामारी का नाम है, प्लेग बोनस से रिलेटेड है। उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था तो मजदूरों के बोनस से कुछ कटौती की गई थी, उसलिए ये हुआ था। तो आई होप आपको कारण और जो भी ईयर थे कब हुआ था टाइम पीरियड सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वो जवाब देने योग्य होगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, रीज़न को अगर पांच जैसा कूटबद्ध किया जाए, यानी रीज़न को कोडेड एज अ फाइव एंड बिलीव्ड एज अ सेवन। देखिए रीज़न में कितने अल्फ़ाबेट हैं? रीज़न में 6 अल्फ़ाबेट हैं। कितने हैं? 6 अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए इसने एक कम करके 5 कोट किया है। बिलीव में 8 अल्फ़ाबेट हैं। बिलीव में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 8 अल्फ़ाबेट हैं, इसने एक कम करके 7 कोट किया है। यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उस वर्ड में उसका एक कम करके ये कोट कर रहा है। तो वैसे ही गवर्नमेंट में कितने अल्फ़ाबेट हैं? गवर्नमेंट में 10 अल्फ़ाबेट हैं तो इसका एक कम कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? 9। देखिए स्टार्टिंग से समझिए, रीज़न में 6 अल्फ़ाबेट हैं। कितने हैं? 6 अल्फ़ाबेट हैं तो एक कम करके उसने 5 कोट किया है रीज़न को। बिलीव्ड में 8 अल्फ़ाबेट हैं तो एक कम करके 7 कोट किया है उसने। उसी तरह गवर्नमेंट में 10 अल्फ़ाबेट हैं तो एक कम करके कितना कोट करना चाहिए? 9 करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ फैंट इज कोडेड एट 741128 एंड एक्सेल इज कोडेड एट 93598 देन हाउ वुड यू कोड एक्सेप्ट। कह रहा है पैंट को क्या लिख सकते हैं? पैंट को लिख सकते हैं हम लोग 74128, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सेल को कितना लिख सकते हैं? 93596। दरअसल अगर ऐसे ही दो कोड दिए रहें और अल्फ़ाबेट दोनों में से, जैसे पैंट में कितने अल्फ़ाबेट हैं? पैंट में 5 हैं और इधर भी 5 ही संख्याएं हों तो आप समझ जाइएगा कि वो जो भी संख्या है, जो भी अंक है वो उस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें जैसे यहाँ पैंट जो है 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए 4 को कर रहा है, आई 1 को कर रहा है, एन जो है 2 को कर रहा है, टी 8 को कर रहा है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे 2 दिए हुए हैं तो चलिए देखते हैं जो भी एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का जो अल्फ़ाबेट है वो किस किस में आता है। देखिए पैंट में ए आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो यानी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को करेगा। ए किसको करेगा? 4 को करेगा। सी देखिए, सी पैंट में आ रहा है कि एक्सेल में आ रहा है? एक्सेल में आ रहा है। सी तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर इधर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो सी जो है डबल है तो डबल 5 हो जाएगा। सी कैसे कोट किया गया है? 5 कोट किया गया है। नेक्स्ट है ई। ई देखिए, ई एक्सेल में आ रहा है, ई जो है पहला है, यहाँ भी पहला 9 है तो 9 रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है पी। पी जो है यहाँ पर पैंट में पहला है, पहला यहाँ पे 7 है तो ये 7 रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आज ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा आपको। ज़्यादा यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो आप सही ऑप्शन लगा ले जाओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो भी अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट को कोड किया गया है उसी के आगे अंकों में, तो उसी के अंक को आपको ढूंढ करके बनाना है संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, थोड़ा माइंड लगता है आपका, सोचने की क्षमता आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। लेकिन अगर एक बार इसका आप डायग्राम बना ले गए
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आता, कम से कम इस डायग्राम से रिलेटेड 4 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरे पूरे 4 या 3 क्वेश्चंस सही कर रहे हो। 4 या 3 क्वेश्चंस के मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक साथ 3-4 क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सदस्य हैं, ये कंफर्म हो गया। सी जो है एफ की बहन है। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है सी जो है एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, ठीक। तो सी जो है बहन है, तो सी माइनस है, यानी ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है, सी फीमेल है, इतना क्लियर हुआ। एफ की बहन है तो एफ प्लस है, एफ क्या है? प्लस है। अब आगे क्या कह रहा है, बी ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई है, तो इससे ये क्लियर हो गया बी भाई है तो बी प्लस है, यानी बी जो है ये पुरुष है, सी माइनस है, बी प्लस है, बी पुरुष है और ए के पति का भाई है, ए के पति का भाई है, ई का पति अभी कौन है ये क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है डी ए का पिता है और एफ का दादा है। डी जो है यहाँ पे देखिए, डी जो है ये दादा है एफ का और ए का पिता है, ए का पिता है, ए का पिता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, 2 पिता। अब देखिए यहाँ पे ए जो है ये पिता हो जाएगा, डी जो है डी भी पिता हो जाएगा, क्योंकि दादा बन चुके हैं तो पिता भी बन चुके ही होंगे, तो डी पिता है, यहाँ पर ए पिता है, ए पिता है। तो आज जाहिर सी बात है यहाँ एफ का रिलेशन यहाँ से दादा से है, तो ये तो पिता हो नहीं सकते। और उसके बाद ये बी जो है इसका, ये बी जो है इनका भाई है, तो ये भी पिता नहीं। तो यहाँ पे कौन बचा? सी जो है, सी क्या है? बहन है, तो ये भी बच्चा ही हुआ, मतलब बच्चा क्या, परिवार का एक छोटा सदस्य हुआ। तो ई और ए बचे रह गए, तो ई माइनस है, ए प्लस है, तो पति पत्नी का रिलेशन क्या होगा? इनके दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन जाहिर सी बात है निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है हु इज ई हस्बैंड, ई का हस्बैंड कौन है? ई हस्बैंड तो जाहिर सी बात है डी तो होंगे नहीं, क्योंकि डी तो इनके बच्चों के दादा हैं, यानी डी क्या हो जाएंगे, इनके जो ससुर बोलते हैं, डी ससुर हो जाएंगे। तो ई जो है ई के पति कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ई के पति कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी पे पूछ रहा है हाउ एफ इज़ रिलेटेड टू ई, एफ जो है ई से किस तरीके से रिलेटेड है, एफ जो है ई से किस तरीके से रिलेटेड है। एफ जो है प्लस है, एफ जो है प्लस है, तो ई जो है इस मतलब इस पूरी फैमिली में ए और ई दो दंपति हैं, दंपति का मतलब कपल्स हैं, ए और ई कपल्स हैं, और डी जो है ये दादा हैं। डी जो है आप अपनी फैमिली से कंपेयर कीजिए, ए और ई जो है ये मम्मी पापा हैं, डी जो है दादाजी हैं, मतलब दादाजी की मतलब पापा जी के पापा जी हैं वो हैं, और ये जो है ये भाई हैं, यानी ये चाचा जी हैं आपके, मान लीजिए बी जो है चाचा जी हैं आपके, और एफ और सी, एफ और सी कौन हो? आप भाई बहन हो, आप भाई बहन हो घर में। तो ये पूरी एक कंप्लीट फैमिली बन गई, जिसमें ए और ई जो हैं माता पिता हैं, ए और बी माता पिता हैं, डी जो हैं ये ए के पिता हैं, यानी जो आपके जिसको आप दादाजी या कुछ भी बोलते हैं गांव में, तो वो हैं, और बी जो है बी भाई हैं, यानी आपके चाचा मान लीजिए हैं। आप एक आप अपने लेवल पे देखिए, आपके माता पिता और उसके बाद उनके भाई और उसके बाद उनके पिताजी और उसके बाद आप दोनों भाई बहन हो, यानी सी माइनस है और एफ प्लस है, तो आप दोनों भाई बहन हो। तो भाई बहन हो तो ए और ई माता पिता हैं, तो एफ के साथ कैसा संबंध होगा? एफ प्लस है तो एफ के साथ कैसा संबंध होगा? पुत्र का संबंध होगा। किसका संबंध होगा? पुत्र का, यानी एफ जो है ई का पुत्र होगा, आप अपनी मतलब मम्मी का बेटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसी में पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन ग्रुप। तो चलिए देखते हैं, एक तो बताया मैंने आपको दादाजी थे, दादाजी यानी आपके पिताजी के भी पिताजी, और दूसरा आपके आपके पिताजी हो गए, दूसरा कौन हो गए? आपके पिताजी हो गए, तीसरा आप खुद हो गए, अपनी बहन को छोड़ दीजिए, वो मेल वो फीमेल मतलब मेल मेंबर्स को हमें काउंट करना है। तो आप अपने लेवल पे देखिए, एक आप हो गए, एक आपके दादाजी हो गए यानी पिताजी के पिताजी हो गए, और एक जो है आपके पिताजी हो गए, 3 हो गए आप लोग, और एक कौन बचा? एक बचे अभी चाचा जी। कौन बचे? आपके घर में चाचा जी बचे। तो ये कितने लोग हो गए आप? 4 लोग, यानी 4 जो हैं पुरुष सदस्य हैं। और महिला सदस्यों की बात करेंगे तो एक आपकी बहन हो गई और एक आपकी मम्मी जी हो गई, ये हो जाएंगी, ये 2
फीमेल सदस्य हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को रिलेशनशिप वाले जितने भी क्वेश्चन आए उनको अपनी फैमिली से कंपेयर कीजिए कि मेरे फूफा के दाई ये मेरे क्या लगते हैं, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप इन सबको अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे क्या लगते हैं। तो वो चीज़ें आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि ये मेरे मम्मी के भाई के बहन कोई भी कैसा भी पूछे तो आप अपने अपने ही रिलेशन से उसको रिलेट कीजिए तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, हु इज़ द मदर, मदर कौन है। मैंने बताया आपको मदर कौन है, मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम से क्लियर कर दिया। ए और ई ये माता पिता के लेवल पे हैं, डी जो है इनके भी डी जो है क्या है इनके पिता हैं, बी जो है इनका भाई है, ए का भाई है बी, और आप दोनों बहन ये सी बहन है, और उसके बाद ई एफ जो है ये पुत्र है, सी पुत्री है एफ पुत्र है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हु इज़ द मदर, मदर कौन है, ई जो है ये मदर है, ई जो है मम्मी जी हैं, मम्मी जी ये हैं, ए पापा जी हैं, और सी जो है आपकी बहन है, आप मान लीजिए अगर लड़के हैं तो आपकी बहन है, और उसके बाद आप खुद हो एफ, और उसके बाद ऊपर वाले डी वाले डी दादाजी हैं, और इधर वाले जो हैं बी जो हैं ये आपके पिताजी के भाई यानी आपके चाचा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नितिन रैंक्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं, यहाँ हम आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको तब तक नहीं समझ में आएंगी जब तक आपका दिमाग खुद नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, नितिन रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49, व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द लास्ट। देखिए ये एक मान लीजिए से हम लोग बना रहे हैं एक वर्क बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप 49 लड़के हैं, इसमें पूरे कितने लड़के हैं 49 लड़के हैं, कह रहा है नितिन रैंक्स 18, नितिन जो है एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूँ, 49 छात्रों के वर्ग में नितिन का स्थान जो है 18वां है, कौन सा है 18वां, यहाँ से ये पहला लड़का खड़ा हुआ है, मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्रेयर में खड़े हुए हैं, ये पहला लड़का है और आप 18वें लड़के हैं, आप कौन से हैं, आप मान लीजिए नितिन हैं, आप 18वें लड़के हैं और टोटल लड़के कितने हैं 49, तो पूछ रहा है पीछे से उनका कितना कितने स्थान आएंगे, पीछे से वो कितने स्थान पर आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 1 से 18 हो गया, अब देखिए 18 बच्चे हो गए, 18 बच्चे तो इधर आ गए, नितिन को ले करके आगे 18 बच्चे आ गए, अब 49 में कितने बचे, 49 में अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितने बच्चे बच गए आप लोगों के पास, तो चलिए इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 49 बच्चे हैं, यहाँ पे 18वां बच्चा कौन है, ये नितिन है, 18वां बच्चा कौन है नितिन है, और इसके आगे ये 17 बच्चे खड़े हैं, और इसके पीछे 31 बच्चे खड़े हैं, इसके पीछे कितने बच्चे खड़े हैं 31 बच्चे खड़े हैं, तो इधर से अगर देखेंगे तो 17 के बाद 18वां बच्चा नितिन है, और इधर 18वां नितिन को नहीं जोड़ना है, इसके पीछे 31 बच्चे खड़े हैं, इसके आगे 17 बच्चे खड़े हैं, तो 31 के बाद कौन सा बच्चा होगा नितिन, कौन सा होगा 32वां होगा, यानी पीछे से इसकी रैंक, पीछे से इसकी रैंक कितनी आएगी 32 आएगी, आगे से 18 आएगी, तो पीछे से कितना हो जाएगा 32। ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आप खुद को एक लाइन में रख लीजिए, मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्रेयर में खड़े हैं और आप देख लीजिए कि आप पीछे से कौन से बच्चे आ रहे हैं, और कभी भी अपने आप को थोड़ा सेपरेट रखिए कि आप मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम पीछे वाले बच्चों को काउंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप अगर ऐसा काउंट करेंगे तो पीछे 31 बच्चे हैं, यानी पीछे कौन सा रैंक होगा 31वां, नहीं, क्योंकि आपको अपनी रैंक भी जोड़नी है, तो 31 में आप अपना भी स्थान जोड़िए तो आप कौन से स्थान पर होंगे 32वें स्थान पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर और एस और क्यों साझेदार है, आप सबको पता है आपने अगर कैरम खेला होगा तो कैरम ऐसे होता है जिसमें चार होते हैं, एक एक ऐसे ऐसे बैठ ऐसे ऐसे होते हैं साझेदार, जो भी पार्टनर्स होते हैं ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, पी आर और एस और क्यों साझेदार हैं, एस आर के दाएँ हैं जिसका मुँह पश्चिम की ओर है, एस आर के दाएँ हैं, आर का मुँह किधर है पश्चिम की ओर है, आर का मुँह पश्चिम की ओर है, एक सेकेंड, आर का मुँह पश्चिम की ओर है, तो मैंने आपको दिशा के लिए बताया था आपको दिशा कैसे पता करनी है, तो पश्चिम कौन सा है, पश्चिम ये है, तो आर को हम लोग इधर बैठाएंगे, आर को हम लोग इधर बैठाएंगे, यहाँ देख लीजिए आप डायग्राम मैंने आपके लिए बना भी दिया है, क्योंकि इस वाले स्क्रीन पे उतना अच्छा डायग्राम बनता नहीं है ऐसे, तो मैंने बना दिया है, तो कह रहा है आर का जो है मुँह पश्चिम की ओर है, तो पहले हम आर का मुँह पश्चिम की ओर कर देंगे, तो एक ही जगह है जहाँ पे आर पश्चिम की ओर बैठ सकता है वो है ये, तो आर यहाँ पे बैठेगा, तो आर किसका साझेदार है पी और आर, तो पी जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठेगा क्योंकि जो भी पार्टनर है वो आगे ही बैठता है, जो भी पार्टनर है कहाँ बैठता है आगे ही बैठता है,
कैरम में अगर आप कैरम खेल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है एस आर के दाएँ हैं, एस जो है आर के दाएँ हैं, तो आर का दाया कौन सा होगा, आर का दाया ये होगा, तो एस जो है यहाँ पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है जो भी क्यों होगा वो यहाँ पे बैठा होगा। नेक्स्ट कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है तब क्यों का मुंह, क्यों का मुंह किधर है, देखिए कैरम की ओर सब लोग इधर मुंह करके बैठते हैं अंदर की ओर, तो क्यों का मुंह किधर को है, मैंने आपको बताया था दिशा के लिए ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, तो क्यों का मुंह किधर की ओर है, ऊपर की ओर, यानी किस ओर है, उत्तर की ओर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर की ओर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलने वाला है मेरे हिसाब से सबसे आसान जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं यही होते हैं, क्योंकि इसमें आप इजीली खुद को आप डिप्राइव कर पाओगे, क्योंकि खुद आप चल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम इधर जा रहे हैं फिर यहाँ से मुड़ना है, तो ग्राफ आप बहुत ईजिली बना सकते हो। देखिए कैसे बोलते हैं, अब इनको एक एक स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक खेल के मैदान में दिनेश कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की ओर मतलब सब लोग ऐसे ऐसे खड़े हैं इधर को मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। नेक्स्ट पहला कह रहा है कुणाल अतुल से 40 मीटर दाएं हैं, कुणाल जो है अतुल से 40 मीटर दाएं हैं, कुणाल अतुल से 40 मीटर दाएं हैं, दिनेश कुणाल से 60 मीटर दक्षिण है, नितिन अतुल से 25 मीटर पश्चिम है, प्रशांत दिनेश से 90 मीटर उत्तर है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये है इसका डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ मैं अगर डायग्राम बनाऊँगा तो ये आएगा नहीं, इसलिए मैंने पहले से ही बना लिया है। कह रहा है कुणाल अतुल से 40 मीटर दाएँ हैं, देखिए कुणाल जो है ये है कुणाल, मैंने के से रिप्रेजेंट किया है सबको, मैंने उनके पहले अक्षर से रिप्रेजेंट किया है, ए के 40 मीटर दाएं हैं, ए का दायां किधर होगा, इधर ये बायां होगा, ये दायां होगा, तो दाएं 40 मीटर है, दाएं कितना है 40 मीटर है, ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है दिनेश कुणाल से 60 मीटर दक्षिण है, दिनेश कहां पर है, दिनेश जो है ये सेकेंड केस है, दिनेश कुणाल से, कुणाल का दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर होगा, तो दक्षिण कितना है 60 मीटर हो गया, ये कुणाल दिनेश जो है कुणाल के दक्षिण, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हम लोग देखते हैं, थर्ड केस कह रहा है नितिन अतुल से 25 मीटर पश्चिम है, देखिए नितिन जो है अतुल का पश्चिम इधर होगा, तो नितिन इधर है 25 मीटर। अगला कह रहा है कि प्रशांत दिनेश से 90 मीटर उत्तर है, अब दिनेश से हम लोग देखेंगे तो दिनेश यहाँ है 90 मीटर उत्तर है, तो उत्तर इसका इधर हो जाएगा 90 मीटर, यानी इधर, क्योंकि 60 ये पहले ही चल चुका है ऑलरेडी। अब ये कुणाल से प्रशांत तक की दूरी कितनी है 30 मीटर है, तो ये 60 30 90 ये हो गया, सारे केसेस आपके बन गए फिगर में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन मीट्स अरुण, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बच्चा यहाँ से चले, नितिन के पास से चले और अतुल से मिले, कुणाल से मिले, उसके बाद किससे मिले, दिनेश से मिले, यहाँ से चलते हुए अतुल से मिले, कुणाल से मिले, दिनेश से मिले और फिर प्रशांत से मिले, तो कितनी दूरी तय करेगा, तो चलिए देखते हैं। पहले वो 25 मीटर चलेगा अतुल तक मिलने के लिए, फिर 40 मीटर चलेगा कुणाल तक कुणाल से मिलने के लिए, फिर 60 मीटर चलेगा डी से मिलने के लिए, फिर 60 मीटर लौटेगा कुणाल तक आने के लिए, क्योंकि उसे पी तक जाना है, तो 60-60 कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे उसने कितना तय किया, 120 तय किया, तो फिर उसके बाद 30 मीटर जाएगा तब प्रशांत से मिलेगा, तो 25 40 और उसके बाद 60 गया, 60 आया यानी 120, और उसके बाद 30 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा 215 मीटर, 215 मीटर चलेगा अगर किसी व्यक्ति को नितिन से चल के सबसे मिलने के बाद प्रशांत से मिलना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, हु इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ द लेफ्ट ऑफ कुणाल, कह रहा है उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन होगा जो कुणाल के बाएँ हैं, देखते हैं कुणाल के बाएँ कौन है, कुणाल के बाएँ ए है, ए का उत्तर पूर्व कौन सा होगा, उत्तर ये है और उसके बाद पूर्व, उत्तर पूर्व ये है पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन होगा, ये होगा, तो कौन होगा इसके दाएँ, पी है, पी मतलब प्रशांत, यानी अतुल के जो है उत्तर पूर्व में कौन है, प्रशांत है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में है नितिन दिनेश अतुल, यानी प्रशांत ऑप्शन में ही नहीं है, तो कौन सा ही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, और अगर प्रशांत ऑप्शन में होता तो हम लोग क्या लगाते, प्रशांत को लगाते सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है ऑरेंज इज टू पील टूथ इज टू,
कह रहा है अगर संतरा जो है छिलके से रिलेटेड है तो दांत किससे रिलेटेड है। देखिए संतरा जो होता है वो छिलके से ढका हुआ होता है, तो उस तरीके से दांत किससे ढका हुआ होता है। तो अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, थोड़ा भी पढ़ी होगी, तो आपने इनेमल के बारे में पढ़ा होगा, यानी आपके ऊपर जो भी है दांतों के ऊपर जो एक परत पाई जाती है जो उसको सेव करती है, जो उसको कवर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंतवलक। क्या बोलते हैं? दंतवलक या इनेमल बोलते हैं। तो आई होप क्लियर, जिस तरीके से संतरे को छिलका कवर करता है उसी तरीके से दांतों को इनेमल यानी दंतवलक कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन अशोक से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। अशोक को हम लोग बना लेते हैं, अशोक यहाँ है, अशोक का दक्षिण पश्चिम किधर होगा ये देखते हैं। ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। तो देखते हैं हम लोग, ये है अशोक, सुमन जो है दक्षिण पश्चिम 40 मीटर है, दक्षिण पश्चिम ये है सुमन, ठीक। प्रकाश जो है अशोक के 40 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम इधर है तो दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा। आई होप आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। 40 मीटर इधर है, दक्षिण पूर्व में है, कौन है? प्रकाश। प्रकाश जो है आकाश से 40 मीटर, यानी ये इधर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में है 40 मीटर, सुमन दक्षिण पूर्व में 40 मीटर है प्रशांत, ये ऐसे हैं। कह रहा है प्रकाश सुमन की किस दिशा में है, प्रकाश जो है सुमन की किस दिशा में है। सुमन का दिशा, सुमन यहाँ खड़ी है तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ये हो जाएगा सुमन का उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा है जहाँ प्रशांत है? ये पूर्व दिशा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पूर्व हो जाएगा, पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए बनाया भी है, आप इसको देख सकते हैं, ये ए है, ये सुमन है, ये प्रशांत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है ओवल इज रिलेटेड टू सर्किल इन द सेम वे एज रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू अंडवक्र जो है वृत्त, वृत्त से उसी तरीके आयत किससे संबंधित होगा। देखिए अंडवक्र यानी अंडे को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा किसकी याद आती है, थोड़ा थोड़ा वृत्त की याद आती है, यानी अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक पूरा अच्छा शेप देंगे तो वृत्त का शेप ले लेगा। किसका शेप ले लेगा? वृत्त का शेप ले लेगा। उसी तरीके से अगर आयत को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सारी भुजा उसकी बराबर कर देंगे, तो वो किसका फॉर्म ले लेगा? वो ले लेगा वर्ग का फॉर्म, यानी एक अच्छा सा फॉर्म ले लेगा, एक 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 कह सकते हैं एक सामान्य फॉर्म ले लेगा। तो अंडे को आप देखते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा वृत्त का वृत्त उसमें दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से आप आयत देखते हो और अगर आप आयत को और ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो किसका फॉर्म ले लेगी? वृत्त, वर्ग का फॉर्म ले लेगा, स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे घर से, ओके। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इसको मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूँगा। मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें पहले आपको क्या करना है, अगर आप निकाल लोगे तो आप ये याद रखना कि 5% जो चैरिटी में गया है उसको भी हमको ऐड करना है, यानी जो ये लाभ का बंटवारा हो रहा है 3:2 में, 3:2 में ये तो आएगा ही, इसको अगर आप निकाल लोगे तो ये आई थिंक 1400 कुछ करके आएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको 5% निकालना है उसका, क्योंकि 5% चैरिटी में गया, वो भी प्रॉफिट ही था, तो टोटल प्रॉफिट में चैरिटी भी जुड़ेगी, चैरिटी को हम लोग अलग नहीं करेंगे जो हमने दान किया है। तो आपको जो प्रॉफिट है वो तो जो प्योर प्रॉफिट है विदाउट चैरिटी का, और उसके बाद 5% जो चैरिटी है उसको भी प्लस करके इसका आंसर निकालना है। काफ़ी ट्रिकी है, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। नेक्स्ट है, ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 9th इन ऑर्डर फ्रॉम बॉथ द इंस, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास। बालक एक वर्ग में एक ही पंक्ति में खड़ा है, एक बालक दोनों किनारों से 19वें क्रम पे है, वर्ग में कितने बालक हैं? चलिए देखते हैं, यहाँ से बंदा 19वें स्थान पे खड़ा है, आप मान लीजिए प्रेयर में खड़े हैं, आप 19वें स्थान से हैं, पीछे से भी 19वें हैं, आगे से भी 19वें हैं, आगे से भी 19वें, पीछे से भी 19वें, तो इसका मतलब आपके आगे 18 बच्चे होंगे, आप 19वें हैं, तो यानी 18 को गिनते हुए उसके बाद 19वें आप हैं, आपके पीछे भी 18 ही बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे? 18 होंगे, जाहिर सी बात है अगर आप 19वें हैं तो पीछे भी 18 आगे भी 18, तो पूरा पूछ रहा है वर्ग में कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं। देखिए 18 आगे 18 पीछे 18, ये कितना हो गया? 36 हो गया, लेकिन आप भी तो हो, आप भी वर्ग में ही हो, आप भी पंक्ति में भी पंक्ति में ही हो, ठीक, आप भी किस में हो? पंक्ति में ही हो, तो आपको भी जोड़ा जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 37। अक्सर बच्चे यही करते हैं, ये 18 18 जोड़ देंगे, खुद को जोड़ेंगे ही नहीं, तो वो किस पर क्लिक कराएंगे? वो 36 पे क्लिक कराएंगे, या तो वो अपने को दो बार जोड़ देंगे, तो आपको एक ही बार जोड़ना है, क्योंकि आप एक अकेले इंसान ही हो जो पंक्ति में खड़े हो, आपके कई सारे फॉर्म्स नहीं हैं,
तो आपको इतना ही जोड़ना है। तो आगे 18, पीछे 18, यानी 36, उसके बाद एक आप हो गया 37। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिया है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग कमेंट में बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं। आप क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो टिल देन कीप वॉचिंग बिटू पार्ट्स आल।